हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियां चैनल को। और दोस्तों, मैं हाजिर हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि मैं विशेष तौर पर स्पिरिचुअलिटी बेस्ड वीडियो बनाता हूं, और हर वीडियो के माध्यम से मैं किसी न किसी तरह का एक संदेश देने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं एक संदेश देने की कोशिश करूँगा, और ये वीडियो उन लोगों के लिए विशेष होगी जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। विशेष तौर पर ये बिलीव नहीं करते कि हमारा फिर से जन्म भी होता है, यानी कि जब हम इस शरीर को छोड़कर जाते हैं तो इसके बाद भी कोई ऐसी लाइफ है जो हमारे साथ में घटती है, या हम उस लाइफ के बाद में फिर से जन्म लेते हैं, या हमारे पिछले जन्म भी हुआ करते हैं या नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और ये बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर रच रहे हैं, ये जो कहानी का हम हिस्सा हैं, इसका क्या महत्व है। और इस वीडियो में आज मैंने एक क्लिप का रेफरेंस लिया है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनका नाम है शम्स ताहिर। वो आज तक के लिए काम करते हैं और हमेशा वो क्राइम तक के लिए वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं। तो उन्होंने एक पिछले दिनों में एक कहानी सुनाई थी पुनर्जन्म को लेकर, और उस पर गांधी जी ने भी जाँच करने के लिए एक कमेटी बैठाई थी, और उस कमेटी ने भी सत्यापन किया था कि हाँ, ये कहानी सही है कि जो पिछला जन्म या पास्ट लाइफ रिक्रिएशन जैसी चीज़ें होती हैं, या रीबर्थ जैसी जो चीज़ें होती हैं, वो सच में होती हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अब मैं शुरू करता हूँ उस क्लिप को। आप इस क्लिप को देखिए और खुद बताइए कि आप जो सोचते थे क्या वो सही है जो इस वीडियो में बताया गया, या वो सही है। आप इस कहानी का रेफरेंस के साथ साथ में इसको आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको इसके तथ्य मिल जाएंगे, और ये कहानी उस समय कितनी प्रचलित हुई थी इस बात का भी आपको पता चल जाएगा। सो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं इस कहानी को, और आप इस कहानी को या इस वीडियो क्लिप को अच्छे से देखिए, और कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इस कहानी के बाद में। अपने करियर के दौरान कम से कम 3-4 केसेस ऐसे हुए जब मीडिया में बड़ी सुर्खियाँ बनी पुनर्जन्म को लेकर, रीबर्थ को लेकर। मुझे याद है यूपी का एक किस्सा था, दिल्ली का था, एक एमपी का था, जिसमें कई दिनों तक हुआ कि कोई बच्चा पैदा हुआ या बच्ची थी, और अचानक वो अपने पुनर्जन्म के किस्से बताने लगती, अपने माँ बाप के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, घर के बारे में, कपड़ों गहने के बारे में। तो इनको लेके बहुत सारी बातें हुई और ऐसी कुछ खबरें मैंने भी कवर की, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा। जैसे एक तो क्राइम में ही था कि एक बच्चे ने बताया कि मेरा किस तरीके से कत्ल हुआ था और कातिल कौन है, हालांकि कोर्ट में फिर बाद में वो साबित नहीं हो पाया। तो पुनर्जन्म की कहानियां भरी पड़ी अपने देश में, लेकिन ऐसी कोई पुनर्जन्म की कहानी कभी आपने सुनी है जो सच के सबसे ज़्यादा करीब हो? यहाँ तक की बात चलिए थोड़ा किनारे रखते हैं। एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी जिसकी मतलब पड़ताल के लिए खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगे आना पड़ा हो, और ऐसी कहानी जिसमें महात्मा गांधी ने उस वक्त एक कमेटी बनाई 15 लोगों की, 15 नामचीन लोगों की, जिनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लॉयर, मीडिया के लोग, डॉक्टर, और इन सारे लोगों को कमेटी बनाकर ये कहा गया, गांधी जी ने कहा कि आप पता कीजिए कि इस पुनर्जन्म की कहानी में सच्चाई कितनी है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पुनर्जन्म की अगर कोई कहानी सबसे सच के करीब है तो वो ये कहानी है जिसे आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि पुनर्जन्म की ये कहानी सच्चाई के कितने करीब है। कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 1902, 8 जैन 1902, मथुरा के एक गांव में चतुर्भुज नाम के एक शख्स के घर एक बच्ची का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है लुगदी। माँ बाप ठीक ठाक थे, बच्ची की परवरिश होती है, और 1902 की बात है, उस वक्त शादियां बड़ी जल्दी हो जाया करती थी। तो 1902 में लुगदी का जन्म होता है, और करीब 10 साल बाद ही, जब उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, यानी कि 1912 में लुगदी की शादी मथुरा में रहने वाले ही एक कपड़ा के कारोबारी के साथ कर दी जाती है, जिनका नाम था केदारनाथ चौबे। सिर्फ 10 साल की उम्र में लुगदी की शादी हो गई। केदारनाथ चौबे की ये दूसरी शादी थी, उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद घर वालों के कहने पर उन्होंने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी लुगदी से की, जो 10 साल की उस वक्त एक बच्ची थी। बाद में फिर गौना होता है, विदाई होती है, लुगदी ससुराल आ जाती है मथुरा में,
और मथुरा में रहने लगती है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे लुगदी अब बड़ी होती जाती है। इसके बाद 1924 के आसपास 1924 में लुगदी पहली बार प्रेग्नेंट होती है। अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डिलीवरी के दौरान बच्चा मरा हुआ पैदा होता, वो बच्ची थी। और इस तरीके से लुगदी की तबीयत ख़राब हुई, लेकिन वो ठीक हो गई, वापस घर आ जाती है। तो पहली बार गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। वक्त बीतता है। इसके बाद सितंबर 25 1925 को लुगदी दूसरे बच्चे को जन्म देती है। इस बार बच्चा ठीक ठाक था और घर वाले परेशान थे। पहला बच्चा चूंकि मुर्दा पैदा हुआ तो डरे हुए थे, इसलिए इस बार उसे मथुरा की जगह आगरा ले जाते हैं और वहां के सरकारी हॉस्पिटल में लुगदी की डिलीवरी कराई जाती है। तो 25 सितंबर 1925 को उस वक्त लुगदी की उम्र करीब 23 साल थी, क्योंकि 1902 में पैदा हुई थी और 1925 में उसने बेटे को एक जन्म दिया। बेटा ठीक ठाक था, लेकिन डिलीवरी के बाद लुगदी की तबीयत बिगड़ गई। करीब 9 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही और बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद 4 अक्टूबर 1925 को सुबह 10 बजे आगरा के हॉस्पिटल में लुगदी की मौत हो जाती है। सिर्फ 23 साल की उम्र में लुगदी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। केदारनाथ चौबे की ये दूसरी पत्नी थी जिसका देहांत हो गया। बच्चे को अब पाला पोसा जाता है, नवनीत लाल उसका नाम रखा जाता है। इस दौरान में लुगदी ने अपने बेटे को सिर्फ एक बार देखा था जन्म के बाद, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसे अलग रखा गया, बच्चे को अलग रखा गया तो वो देख नहीं पाई, सिर्फ एक बार मिली थी अपने बेटे से। तो अक्टूबर 1925 में लुगदी की मौत हो जाती है। परिवार के ऊपर एक और गम टूटता है, केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी का देहांत हो चुका है। वक्त बीतता है, पूरे एक साल 10 महीने और 7 दिन 1 year 10 months and 7 days के बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के एक इलाके में बाबू रंग बहादुर माथुर नाम के एक शख्स के घर में एक बच्ची का जन्म होता है। लुगदी की मौत के 1 year 10 months and 7 days बाद मथुरा से करीब 125 किलोमीटer दूर दिल्ली में बाबू रंग बहादुर माथुर के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। इस बच्ची का नाम रखा गया शांति देवी। घर वाले खुश थे, शांति का जन्म हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीतता है, शांति करीब 4 साल की हो जाती है, लेकिन वो 4 साल तक बेहद खामोश रहती है, कोई बात नहीं करती, बहुत कम बोलती है। बट जैसे ही वो 4 साल पूरा करती है, उसके बाद अचानक वो बोलना शुरू करती है और बेतहाशा बोलती है। लेकिन घर वाले तब चौंकते हैं जब वो देखते हैं कि जो शांति जो बातचीत कर रही है, उसकी जुबान, उसकी बोली, उसकी भाषा में मथुरा की बोली और भाषा की झलक है। अब बाबू रंग के घर का कोई सदस्य, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला मथुरा में नहीं रहता, ना वो लोग कभी मथुरा गए। अब उनके घर में एक बेटी है जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है और वो मथुरा की भाषा बोल रही है, मथुरा की बोली बोल रही है, तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर उन्हें लगा चलो हो सकता है कुछ बच्चों में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ कहानी यहाँ से शुरू हुई। अब इसके बाद जैसे जैसे शांति की उम्र बढ़ रही है, करीब वो 5-6 साल की हो गई, अचानक उसने घर में बोलना शुरू किया कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा ये घर नहीं है जहाँ पे आप लोगों ने मुझे रखा है, मेरा असली घर मथुरा में है, मथुरा में मेरी पूरी फैमिली है, मेरा एक पति है, मेरा एक बेटा है, मेरे सास ससुर हैं। घर वालों को लगा कि पता नहीं ये बच्ची क्या कैसे बोल रही है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो जिद पकड़े रहती थी। वो उसे समझाते थे पर वो यही चीज़ें बोलती रहती, यहाँ तक कि अब वो जिद ये पकड़ने लगी कि मुझे मथुरा ले चलो, मेरे असली घर में ले चलो, मेरे पति के पास ले चलो, मेरे बच्चे के पास ले चलो। घर वाले जब उसकी ये डेली की चीज़ हो गई, उन्हें लगा कि ये भूल नहीं रही, तो उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने बाकायदा साइकेट्रिस्ट को दिखाया, फिजिशियन को दिखाया और बोला कि ये बच्ची है जो अचानक मथुरा की जुबान बोलती है, मथुरा की भाषा बोलती है, कहती है मेरी शादी हो चुकी, मेरा एक पति है, मथुरा में मेरा घर है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें।
वो ये भी बताती है कि मेरा एक बेटा और उससे पहले एक और बच्चे को मैंने जन्म दिया था लेकिन वो मुर्दा पैदा हुआ। तो जब फिजिशियन के उसके सामने ले जाया गया, उसके माँ बाप ले गए शांति को, तो फिजिशियन ने पूछा कि अच्छा बताओ तुम पहला कैसा बच्चे कैसा मुर्दा हुआ। उस वक्त उसने बताया जिस तरीके से कि वो बच्चा सर्जरी के जरिए पैदा हुआ और उम्र 6 साल की एक बच्ची, सर्जरी और बच्चे की पैदाइश और जन्म को लेकर जो एक परिपक्व माँ बता सकती है, उस सारी चीज़ें धारा प्रवाह उसने उस डॉक्टर को बताना शुरू कर दिया कि वो इस तरीके से हॉस्पिटल गई, ऐसे ऐसे उसकी डिलीवरी हुई, ऐसे वो मुर्दा था, फिर मैं बीमार पड़ी, फिर मैंने दूसरे बेटे को ऐसे जन्म दिया, वो भी ऑपरेशन के जरिए पैदा हुआ। तो सर्जरी, ऑपरेशन और डिलीवरी की जो बारीक से बारीक जानकारी थी वो 6 साल की शांति उस डॉक्टर, उस फिजिशियन के सामने बैठ कर कह रही थी, और डॉक्टर खुद हैरान हो गई। उसे भी समझ में नहीं आया ये है क्या। घर वाले ले आए, उन्होंने यमन झाड़ फूक सब कुछ कराया उस दौर में, बट शांति ने जिद नहीं छोड़ी कि ये उसका घर नहीं है, मथुरा घर है। इसी दौरान में वक्त बीतता रहा, घर वाले परेशान थे, और यहाँ तक कि वो घर के बारे में सब कुछ कि मेरा घर वहाँ पे एक द्वारकाधीश टेम्पल है उसके सामने है, घर में मेरे एक कुआं है, मैंने कुछ पैसे अपने कमरे में छुपा रखे हैं। और फिर उसने बोलना शुरू किया कि जो मेरा पति है, मेरा पति बहुत गोरा है, उसके बाएं गाल पे एक मस्सा है बड़ा सा, और वो रीडिंग ग्लास यानी पढ़ने वाले चश्मा लगाता है, पहनता है। अब वो अपने पति के हुलिया और सब कुछ बता रही है, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि मेरे पति का नाम क्या है। उससे घर वालों ने पूछा, जब भी नाम पूछते वो तो वो शर्मा जाती, लेकिन नाम नहीं बताती। अब याद रखिए उस दौर में हमारे देश में पत्नियां अक्सर पति का नाम नहीं लिया करती थी, तो शायद एक ये चीज़ भी थी, क्योंकि लुगदी की जब शादी हुई थी तब भी उसने कभी अपनी पति का नाम नहीं लिया था। तो यहाँ दिल्ली में उसके घर वाले उससे पूछते, कहते चलो हम मान लेते हैं तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा परिवार है, पर अपने पति का नाम तो बताओ। तुम हुलिया बताती हो, चश्मा पहनता है, गोरा है, बाएं गाल पे मस्सा है, तुम्हारा एक बेटा है। तो कहती नाम नहीं बताऊंगी, और वो शर्मा जाती, कहती मैं नाम ले ही नहीं सकती। घर वाले परेशान होने शुरू हो गए। इसी दौरान में एक बाबू बिशन चंद जो कि शांति के पिता के दूर के रिश्तेदार थे, उन तक ये बात पहुंची। वो दिल्ली में ही दरियागंज में रामजस स्कूल है एक बड़ा मशहूर, तो दरियागंज के उस रामजस स्कूल में वो पढ़ाते थे, टीचर थे। तो शांति के जो पिता हैं बाबू रंग बहादुर माथुर, वो बड़े परेशान, वो उन्होंने इनसे जिक्र किया बाबू बिशन चंद से कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी जो शांति है वो लगातार 4 साल से लेकर अब तक 2-3 साल बीत गए, वो जिद नहीं छोड़ रही है, मथुरा जाने की जिद करती है और ये पूछती है। अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि एक बार वो बहुत बार जब उसने रिक्वेस्ट किया, घर वालों ने उसको नहीं जाने दिया, एक बार वो घर से भाग गए। घर वाले बड़े परेशान, उन्हें लगा मथुरा भागी है, तो उसे ढूंढते रहे, लेकिन खैर वो दिल्ली में ही मिल गई। लेकिन भागी थी मथुरा जाने के लिए अकेली एक 6 साल की बच्ची, लेकिन उसे पकड़ कर ले आया। और उसके बाद ही घर वाले ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं आगे क्या होगा। और इसी सिलसिले में बाबू बिशन चंद से उन्होंने संपर्क किया और कहा कि ऐसे ऐसे ये बातें कर रही है। अच्छा, इस दौरान में जब स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया तो बच्चों के साथ भी मथुरा की भाषा में ही बात करती थी, वो भी हंसते थे कि ये दिल्ली में है, पता नहीं क्या जुबान बोल रही है। तो बाबू बिशन चंद ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने शांति को अकेले में बुलाया और बात की, और उसको एक लालच दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुमको मथुरा जाना है, अपने पति के पास जाना है, तुम अपने पति का नाम बता दो, मैं वादा करता हूँ तुमको मथुरा तुम्हारे पति के घर ले चलूँगा। शांति उनकी बातों में आ जाती है, उसे लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे मेरे पति तक पहुंचाएगा। उसके बाद वो अपने पति का पहली बार मुंह से नाम लेती है और बाबू चंद को वो नाम बताती है। कहती है कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है और मुझे मथुरा में सब चौबाइन कहकर बुलाया करते थे। बाबू चंद को नाम पता चला, उसने ये भी बताया था द्वारकाधीश टेम्पल के ठीक सामने दुकान है और वहीं पर घर है, तो सारा लोकेशन बताया। तो जब नाम वाम पता चला तो बाबू बिशन चंद ने एक लेटर लिखा। अच्छा, उस ज़माने में मोहल्ले में नाम हो और आपका घर हो जहाँ पे, तो आसानी से डाकिया डाक पहुँचा देता था, मुश्किल नहीं होती थी। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, केदारनाथ चौबे, द्वारकाधीश मंदिर के सामने, दुकान ये, और वो लेटर पोस्ट कर दिया। और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि एक ऐसे ऐसे बच्ची है शांति जो अपने पुनर्जन्म की बातें बता रही है और वो कहती है कि आप उसके पति हैं और उसने ये चीज़ें बताई हैं कि घर में एक कुआं है, द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने दुकान है, कपड़े का दुकान है, घर है,
आपका एक भाई है, उसका एक बेटा है, एक बच्ची पैदा हुई थी वो मुर्दा पैदा हुई थी, तो ये कितना सच है? ये लेटर पोस्ट कर दिया। लेटर मिलता है केदारनाथ चौबे को मथुरा में। वो लेटर खोलते हैं, पढ़ते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस लेटर में जो कुछ लिखा था शांति देवी के हवाले से वो पूरा का पूरा सच था। इधर हालात ये बदल गए थे कि लुगदी की मौत के बाद केदारनाथ चौबे ने तीसरी शादी कर ली थी। पहली बीवी तो मर चुकी थी, तभी उन्होंने लुगदी से की, लुगदी की भी मौत हो गई, तो उन्होंने तीसरी शादी की। तीसरी शादी करने के बाद अब ये लेटर उन्हें मिलता है। पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि ये जो भी है ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो किसी को मालूम नहीं, लेकिन शांति देवी बता रही है तो क्या करूं। इस लेटर को पढ़ने के बाद केदारनाथ चौबे ये फैसला करते हैं कि वो खुद तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपने कज़न को भेजेंगे, एक चाचा के बेटे को, कि जाकर वो मिले शांति से दिल्ली में और पता करे कि वाकई सच्चाई है क्या। तो उनका जो कज़न थे पंडित कांजीलाल मथुरा से दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद वो मिलते हैं बाबू बिशन चंद से। बाबू बिशन चंद उनको लेकर शांति के घर पहुंचते हैं। शांति देवी के घर पहुंचने के बाद कांजीलाल को ये कहकर मिलाया जाता है कि ये केदारनाथ चौबे तुम्हारे पति शांति, और उस वक्त शांति की उम्र थी करीब 7 साल। तो केदारनाथ ने अपने कजिन को दिल्ली भेजा, उस कजिन को लेकर घरवाले शांति के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये लो, ये हैं केदारनाथ चौबे जिनको तुम अपना पति बताती हो। शांति देवी देखती है कांजीलाल की तरफ, मुस्कुराती है और शर्माती है। तो पूछते हैं घरवाले कि तुम शर्मा क्यों रही? तो कहती है कि ये मेरे पति नहीं, ये मेरे पति के भाई हैं। ये सुनते ही पूरे घर वाले मतलब चौंक उठते हैं। उसके बाद ये तय हो जाता है कि वाकई ये सही कह रही है। कांजीलाल कहती है जो बताते हैं कि मैं तो वाकई कजन हूँ, लेकिन शांति देवी को कैसे पता? अब यहाँ से कहानी घूमनी शुरू होती है। कांजीलाल फिर बैठ के बहुत देर तक शांति से बात करते हैं और शांति सारी चीज़ें बताती हैं उस वक्त की। कजन थी तो कि मिली थी लुगदी के तौर पर, तो हर वो चीज़ चाहे वो घर के सामान हो, घर के कपड़े हों, गहने हों, क्या पहनती थी, क्या खाते थे, क्या पसंद था, दुकान कहाँ थी, कब कहाँ गई, वो धार्मिक थी, उसने कई तीर्थ स्थान पे भी गई थी, उन सारी चीज़ों के बारे में शांति देवी कांजीलाल को बता देती है। कांजीलाल बिल्कुल ही एक तरह से पागल होता है कि ये वाकई वो चीज़ें हैं जो लुगदी को पता थी। वो वहाँ से वापस भागते हैं मथुरा, और मथुरा जाने के बाद केदारनाथ चौबे से कहते हैं कि मैं जिस बच्ची से मिल के आया हूँ और उसने जो कुछ बताया है सचमुच वो पुनर्जन्म है और वो लुगदी ही है। ये सुनने के बाद अब केदारनाथ चौबे के मन में भी एक अजीब सी हलचल उठती है कि वो चल के उससे मिलें, आखिर कौन है जो सब कुछ जानती है और जो दावा कर रही है कि वो उनके पिछले जन्म की पत्नी है। इसी के बाद 12 नवंबर 1935, 12 नवंबर 1935 को केदारनाथ चौबे अपने बेटे नवनीत लाल और अपनी माँ तीनों को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं मथुरा से। मथुरा आने के बाद ये लोग शांति देवी के घर पहुंचते हैं। शांति देवी के घर पहुंचने के बाद अब इन्हें मिलाया जाता है, और इस बार फिर झूठ बोला जाता है शांति से। केदारनाथ चौबे सामने खड़े हैं और शांति से कहा जाता है कि ये तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं। इस बार शांति देवी पूरी तरह से शर्मा जाती है। शर्माने के बाद नजरें नीची कर वो कहती है अपने माँ बाप से कि नहीं, यही मेरे पति, यही केदारनाथ चौबे, और मैं इनकी चौबाई हूँ, और ये मेरा बेटा है। अब सारे लोग फिर सिहर उठते हैं। तब केदारनाथ चौबे पूछते हैं कि ये बताओ, जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ था तब मुश्किल से तुमने एक बार देखा, उसने जब जन्म ही लिया था, और अभी जब ये मिलने के लिए आया तब उसकी उम्र करीब 10 साल हो गई थी, तो तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारा बेटा है? उसने कहा माँ हूँ, जन्म दिया है, 7 साल की एक बच्ची कह रही है, मुझे देखते ही एहसास हो गया था कि ये मेरा बेटा है। और कमाल ये देखिए कि 1935 में जब नवनीत लाल 10 साल का था, जब ये मिला शांति देवी से,
और शांति देवी का जो अपना बेटा बता रही, तब खुद शांति देवी की उम्र 9 साल थी। 9 साल की उम्र में पहली बार केदारनाथ चौबे उसके सामने खड़ा और उसने कहा ये मेरे पति हैं। और नवलीत लाल जिसकी उम्र 10 साल है वो बता रही है कि ये मेरा बेटा है। इसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं। चूँकि केदारनाथ अपनी माँ के साथ आए थे जो शांति देवी के हिसाब से उनकी सास है, तो उसके बाद उनके घर वाले कहते हैं कि चलिए आप लोग खाना बनाते हैं, खाना खाइए। तो शांति देवी कहती है कि खाना आज क्या बनेगा, कहती है मेरी सास और मेरे पति को क्या पसंद है, और वो चीज़ें बताती हैं, आलू के पराठे, इसके अलावा घिया की सब्ज़ी, वो जो जो सब्ज़ी और रोटी और ये सारी चीज़ें बताती है वो सारे फिर चौंक उठते हैं, क्योंकि केदारनाथ चौबे और उनकी माँ को वही चीज़ें पसंद थी जो शांति देवी बनाने के लिए कह रही थी। इसके बाद इतना ही नहीं, वो अपनी माँ से कहती है कि मेरे पास जितने खिलौने मेरे रखे हैं सब उठा कर ले आओ, मुझे अपने बेटे को देने हैं। फिर वो खिलौने मंगाती है। इसके बाद ये लोग खाना वाना खाते हैं। अब रात को जाने का वक्त आता है, केदारनाथ चौबे घर वालों से इजाज़त लेकर कहते हैं कि शांति देवी से कुछ अकेले में बात करनी है, वो उसे अलग से ले जाते हैं। फिर उससे वो अपने संबंधों के बारे में बातचीत करते हैं, एक पति पत्नी के तौर पर। शांति देवी हर उस संबंध के बारे में जानकारी देती है जो शायद उन दोनों के अलावा तीसरे किसी को नहीं मालूम था। और इसी बातचीत के दौरान शांति देवी पहली बार नाराज़ होती है, एक 9 साल की बच्ची, और कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था 1925 में मेरे मरने से पहले कि मेरी मौत के बाद आप तीसरी शादी नहीं करेंगे, आपने किया था कि नहीं? उसने कहा हाँ किया था। तो बोला फिर आपने वादा क्यों तोड़ा, आपने तीसरी शादी क्यों की? तब केदारनाथ चौबे अपनी पत्नी को भी लेकर आए थे शांति देवी से मिलने, और उसने इशारा करके कहा कि फिर आपने इनसे शादी क्यों की, इसके अलावा आपने कुछ और वादे किए थे, आपने वो भी पूरा नहीं किया। ये सारी बातें होने के बाद केदारनाथ बाहर आते हैं, शांति देवी के माँ बाप को बताते हैं कि ये वो बातें हैं जो सिर्फ मैं और लुगदी के बीच की थी, शांति देवी तक कैसे पहुंची मुझे नहीं मालूम। लेकिन इनसे मुलाकात के बाद शांति देवी नाराज थी अपने पति से, क्योंकि उन्होंने तीसरी शादी की थी। इसके बाद अब रात को विदाई का वक्त था, इन लोगों को वापस मथुरा जाना था। शांति देवी रो पड़ी, घर से जिद करने लगी घर वालों से कि मुझे अपने पति और अपने बेटे के साथ मथुरा जाना है। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने रोका समझाया। इसके बाद केदारनाथ अपनी पत्नी माँ और बेटे को लेकर वापस मथुरा चले गए। इनके जाने के बाद पहली बार ये कहानी मथुरा के एक न्यूज़पेपर में छपती और फिर दिल्ली में छपती और फिर धीरे धीरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में पुनर्जन्म की ये कहानी एक कहानी के तौर पर लोगों के सामने रखी जाती है। और ये वो सारी चीज़ें थी जो सारे फैक्ट जो शांति देवी बता रही थी वो सब सही हो रहा था। ये मीडिया में इस कदर ये कहानी छपती है कि उस वक्त महात्मा गांधी जी के कानों तक भी शांति देवी की कहानी आती है। इसके बाद वो शांति देवी को अपने आश्रम में बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, उसके से पूरी कहानी सुनते हैं, पूछते हैं, और वो सारी चीज़ें जो उसने बताई गांधी जी खुद सुनते हैं। अब वहाँ पर कई बात ये थी कि नहीं ये पुनर्जन्म नहीं हो सकता, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। गांधी जी फिर कहते हैं, फैसला लेते हैं कि शांति देवी और लुगदी एक ही है, ये पुनर्जन्म है कि नहीं है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और इसके बाद गांधी जी के कहने पर 15 लोगों की एक टीम बनाई जाती है जिसमें उस वक्त के देश के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वकील, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, कुछ मैगजीन के एडिटर्स, ये सारे लोग शामिल होते हैं। गांधी जी का कहना यह था कि इस बच्ची का सच पता करो कि कितनी सच है। इसी के बाद ये पूरी टीम ट्वेंटी फोर्थ नवंबर 1935 को फैसला करती है कि ये शांति देवी को अपने साथ लेकर मथुरा जाएगी और जो जो शांति देवी ने अब तक बताया उसकी पुष्टि करेगी। 24 नवंबर 1935 को गांधी जी की बनाई 15 सदस्यीय टीम शांति देवी को अपने साथ दिल्ली से ट्रेन में बिठाकर मथुरा के लिए निकलती है। इत्तेफाक से ट्रेन लेट थी, ये लेट पहुंचती है और रास्ते में शांति देवी एक ही बात कर रही थी कि अब हम लोग बहुत लेट पहुंचेंगे, मंदिर का पट बंद हो जाएगा। अच्छा, ये वो चीज़ थी जो मथुरा की लोकल भाषा में बोली जाती थी, मतलब गेट बंद हो जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कमेटी के लोग भी हैरान परेशान। फिर उन्होंने पूछा उससे रास्ते में कि अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हें स्टेशन से उतार कर अगर घर जाना हो तो तुम्हें घर का रास्ता याद है? शांति देवी ने कहा स्टेशन से है तो दूर लेकिन मुझे याद है। उन्होंने कहा ठीक है। ट्रेन मथुरा के स्टेशन पर रुकती है
15 सदस्यीय टीम शांति देवी के साथ उतरती है। ट्रेन पे काफी स्टेशन पे भीड़ थी। इसी दौरान उस भीड़ में एक शख्स खड़ा था। इसी बीच में इधर कमेटी के लोग पूछते हैं कि इस तू क्या मथुरा आ गए, तो तुम तो बहुत सारे लोगों को जानती होगी, तो इनमें से किसी को पहचानती हो? वो बोल रहे थे, तभी उस भीड़ में एक शख्स की तरफ शांति देवी आगे बढ़ती है, जबकि वो अभी बच्ची है, और करीब जाकर सीधे पैर छूती है। अब सारे कमेटी के लोग हैरान कि ये क्या है, तो पूछा कौन है तुम, इन्हें जानती हो? बोली हाँ मैं जानती हूँ, ये मेरे जेठ, मेरे पति के बड़े भाई। अब जैसे ही ये बताया, कमेटी के टीम ने उनसे पूछा कि आप कौन है, तो उसने बोला हाँ मैं केदारनाथ चौबे का भाई हूँ। अब वो सारे लोग दंग। इसके बाद वो टीम बाहर आती है, एक तांगा करती है और तांगे वाले से कहती है कि ये जो बच्ची जिधर जिधर जिस रास्ते से कहेगी आपको ले जाना है, आप रास्ता नहीं बताओगे। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं था कहाँ जाना है। अब कमेटी के कुछ लोग एक तांगे में बैठते हैं, कुछ पीछे के तांगे में, तांगा चल पड़ता है। पूरे रास्ते शांति देवी रास्ता बताती है, और बताते बताते आखिरकार वो तांगा को जाकर जहाँ रुकवाती है, वो वही द्वारकाधीश धाम टेम्पल था जिसके सामने उसका घर था। जब वो उतरती है तो पता चलता है कि केदारनाथ चौबे का घर यही है। शांति देवी पहली बार मथुरा पैदा होने के बाद आई थी, लेकिन जिस रास्ते से लेकर आई थी वो रास्ता बिल्कुल सही था। अब इसके बाद वो घर में जाती है, सभी को पहचानती है जिनसे नहीं मिली। फिर लोग पूछते हैं कि यहाँ तुमने बताया था कि एक कुआं है घर के आंगन, उसने कहा। वो भागती है, देखती है, लेकिन कुआं दिखाई नहीं देता, तो कहती है यहाँ तो कुआं था। तब केदारनाथ चौबे सामने आता है और उसी आंगन से एक बड़ा सा पत्थर हटाता है। उस कुएं को पत्थर से ढक दिया गया था और उस पत्थर के नीचे सचमुच कुआं था। उसने बताया मैं इसी कुएं के पानी से नहाया करती थी। फिर उससे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ यहाँ वॉशरूम किधर है, शौचालय किधर है, उसने वो भी बताया। फिर उसने कहा तुमने कुछ पैसे छुपाने की बात कही थी, उसने बोला हाँ। कमेटी के लोगों को लेकर वो दूसरी मंजिल पर पहुंचती है अपने बेडरूम में, जहां वो रहती थी लुगदी के तौर पर, और वहां पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था। फ्लावर पॉट हटाया, उसने कहा मैंने इसी के नीचे पैसे छुपाए ज़मीन के अंदर। वहां पे वो ज़मीन थोड़ा उखड़ा हुआ था, हाथ डाला, गड्ढा तो मिला लेकिन पैसे नहीं मिले। पर उसने कहा कि कमेटी ने कहा यहाँ तो पैसे हैं नहीं, उसने कहा लेकिन मैंने यहीं छुपाया। तो उसने बोला कितने पैसे थे, उसने कहा मैंने सारी जमा पूंजी करके 150 रुपये छुपाए थे, 150 रुपये। बट उन्होंने कहा यहाँ पैसे नहीं। केदारनाथ चौबे थोड़ी देर बाद बताता है कि लुगदी की मौत के बाद वो पैसे मैंने निकाले थे और 150 ही रुपये थे। अब फिर इन लोगों के चौंकने की बारी आती है। इसके बाद सारी चीज़ें हो गई, कमेटी की टीम उसको वापस ले आती है और वापस लाने के बाद कहती है कि इसने जो कुछ कहा वो सब सच था। दोबारा एक बार और एक कमेटी के लोग फिर से इसको लेकर जाते हैं और इस बार शांति देवी के अपने माँ बाप के घर ले जाते हैं। वो घर पहुँचती है, सामने उसकी मौसी बैठी हुई थी। पहली बार वो थोड़ी गलती करती है, मौसी को अपनी माँ बताती है, लेकिन जैसे ही गले लगती है फिर हट जाती है, कहती नहीं सॉरी गलती हो गई, मतलब सॉरी तो नहीं। उसने बोला कि ये मेरी मासी है, मम्मी नहीं है, माँ नहीं है। माँ दूसरे कमरे में थी, माँ के पास जाती है, माँ को पहचान लेती है, पिता को पहचान लेती है, पूरे घर को पहचान लेती है। जितनी बातें उसे उस वक्त की याद थी वो सब बताती है, माँ बाप भी मानते हैं। फिर शांति देवी और अपने माँ बाप के मिल के बहुत गले मिल के रोती है और माँ बाप भी रोते हैं, क्योंकि उसने जो जो बातें बताई वो सिर्फ उन्हें मालूम थी। ये भी पूरा हो गया। इसके बाद फिर बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे लोग शांति देवी के पास पहुँचते हैं, वो सबसे बात करती है। यहाँ तक कि यान स्टीवेंसन ने, एक कैनेडा के बहुत बड़े शोधकर्ता पुनर्जन्म पर, वो आते हैं इंडिया और वो उसका इंटरव्यू करते हैं, पहले ऑडियो भी फिर वीडियो भी। पर कुल मिलाकर सारी चीजें होने के बावजूद केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी लुगदी, जिसका पुनर्जन्म शांति देवी, जिसने बताया मेरे पति, मेरा बेटा, और बेटे की उम्र उससे एक साल बड़ी, ससुराल दोबारा नहीं जा पाई, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी, कानून थी, मान्यताएं थी, और भी उम्र भी थी, तो वो दिल्ली में ही रही। बट पूरी दुनिया ने और हिंदुस्तान ने ये माना कि असल में शांति देवी ही लुगदी है, केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी, और वो जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है। तो वो दिल्ली में ही रही और 27 दिसंबर 1987, 27 दिसंबर 1987 को, जब शांति देवी की उम्र 61 साल थी,
उनकी मौत हो गई दिल्ली में। पहली बार 23 साल की उम्र में मौत हुई, दूसरी बार 61 साल की उम्र में मौत हुई। लेकिन दूसरे जन्म की कहानी में खास बात यह रही कि 61 साल शांति देवी जिंदा रही, लेकिन इन 61 सालों में शांति देवी ने अपने दूसरे जन्म में शादी नहीं की, क्योंकि 4 साल की उम्र से ही उसने अपने पति और पति के नाम का रट्टा लगाया हुआ था कि एक मेरे पति हैं, एक मेरा बेटा है। यही वजह थी कि शांति देवी ने शादी नहीं की और 61 साल की उम्र में शांति देवी की मौत हो गई। पुनर्जन्म की कोई भी कहानी सच्चाई के इतने करीब, शायद इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी। तो ये थी कहानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि आपने एंजॉय की होगी। दोस्तों, इस चैनल का सिर्फ इतना सा महत्व है कि आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देने का, और उसके साथ साथ में आप मेरे पीछे जो लाइट देख रहे होंगे, यानी कि एक पूरा वाइट कलर का ऑरा है, और मैं चाहता हूँ कि हम सबको स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान के साथ साथ में हम सबका ऑरा जो है उतना ही वाइट होना चाहिए। जब हमारे कार्मिक अकाउंट क्रिएट होंगे तो मैं चाहता हूँ दोस्तों वो बहुत अच्छे होने चाहिए, ना कि हम किसी के साथ में बुरा करें। जितना बुरा कर चुके हैं वो हो गया, उसके लिए हम उनकी आत्मा से, अगर वो आज भी आपके आसपास फिजिकल वर्ल्ड में हैं, तो आप खुले दिल से उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, ताकि आगे के जो हमारा अंधकार है वो प्रकाशीय लाइट में बदल सके, इस तरह के ओरा में बदल सके। सो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चाहे तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं आपको क्या करना होगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ अपने कंटेंट पर। सो दोस्तों, अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई क्वेरीज है इस वीडियो के रिगार्डिंग, या किसी और स्पिरिचुअलिटी बेस्ड कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में, या जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मेरी मेल आईडी दी गई है उस पर आप मेल कर सकते हैं, और मैं आपके डिटेलाइड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा बाया आपके कमेंट बॉक्स और आप मेल के थ्रू भी। सो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। मैं हूँ आपका दोस्त सुभाष। धन्यवाद।